मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश के तूफानी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीडवाना, नवलगढ़, कोटपुतली, सिकराय और दौसा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अशोक गहलोत बेहद आक्रामक नजर आए। इस दौरान उन्होंने भाजपा व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर तीखे हमले किए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने। आपको मैं आह्वान करना चाहूंगा, ममता भूपेश को आप पहली बार पहले कामयाब करें। पिछली बार चुनाव जीत नहीं पाई थी तो ममता भूपेश हमेशा मेरे जब मुख्यमंत्री था तब मैं देखा कि दौड़ दौड़ करके ये सिकराय की समस्याओं को लेकर के कोई कमी नहीं रखी, कैसे यहाँ का विकास हो, किस प्रकार सिकराय आगे बढ़ सके, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की हमेशा ध्यान रखा। बहुत कम एमएलए से होते हैं जो अपने क्षेत्र के बारे में इतना ध्यान रखते हैं, इन्होंने कभी कमी नहीं रखी। इसलिए मौका आया है, मौका आया है कि आप दोबारा, क्योंकि मेरे वक्त में देखा, मैंने देखा कि जो काम एमएलए ने मुझे कहे थे, आपके एमएलए ने, आपके शिकरा में डिग्री कॉलेज खुल गई, आईटी कॉलेज खुल गई, मॉडल स्कूल बन गया, शिकरा और बराबरा में उप तहसील बन गई, 220 केवीए का रजिस्ट्रेशन, 33 केवीए के नौ रजिस्ट्रेशन, 8 पीएससी, 3 सीएससी, ऐसे बहुत कम क्षेत्र होंगे राजस्थान में जहां पर इतना काम एक साथ हुआ हो। ये तब होता है जब आप सबकी भावना अपने जनप्रतिनिधि से जुड़ी रहती है। आपने हमेशा ममता भूपेश जी का ध्यान रखा और ये जो काम कहा वो मैं करता गया। सड़कें बनी, बालाजी में नया थाना बना, 7 करोड़ के पानी पे खर्च हुए, ये तो मैंने वो बताया। और मैं कहना चाहूंगा उस वक्त में एमएलए जो थे आप सबके, वो मुझसे काम मांगते मांगते थक गए होंगे तो मैं मुख्यमंत्री रूप में उनको काम देता था, थका नहीं है मैं कह सकता हूँ। ऐसा बहुत कम होता है, जम के अच्छा शासन दिया, जम के आपके काम किए, जो मांगा वो जो दिया, और इसीलिए राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ सका। सरकार हमारी काम पर बनी नहीं, और उस वक्त मैंने कहा था आपको जब हम लोग घूम रहे थे कि सरकार दोबारा कांग्रेस की बनेगी, आपके आशीर्वाद से मुझे विश्वास था उस वक्त, मैं बार बार ये बात कहता था। और नहीं बनी यदि सरकार हमारी तो आने वाली गवर्नमेंट काम भी नहीं करेगी, ये मैंने कहा था। लगता है कि वसुंधरा जी ने मेरी बात सुन ली होगी उस वक्त में, इसलिए उसने क्या किया, काम कुछ किए ही नहीं। 2-4 महीने गए उनके पास में चुनाव जीतने के बाद में, 4-6 महीने बाद में कि मैडम कोई काम हो ही नहीं रहे हमारे, लोग पूछते हुए काम कब करवाओगे, गांव में कैसे जावे, तो पता आपने क्या जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि सिविल लाइन जब जयपुर में है तो मेरा मकान और वसुंधरा का मकान आमने सामने ही है, दोनों का मकान आमने सामने है। उन्होंने कहा कि आप एमएलए आए हो, आपको पता है मेरे सामने कौन रहता है, तो कह रहे हो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहते हैं, जाओ उनको पूछ लो, खूब काम कर देख लिए, वो वहां बैठा हुआ, मैं यहाँ राज कर भी बैठी हुई, समझ गया। काम से कोई वोट नहीं मिलते है, काम से वोट मिलते तो वो वहां क्यों हारता, मैं क्यों जीतती, उस वाली बात है। काम तो घाटे नहीं रखे, अभी ममता जी ठीक कह रही थी कि बच्चा पैदा होने के वक्त में महिला को नाना ठीक ढाणी से गांव से गाड़ी का किराया गवर्नमेंट देगी, बच्चा पैदा हो गया कोई तकलीफ होगी, बच्चे को बीमार हो गया तो उसको पूरा रखो, वहां देखभाल करो, जरूरत है तो उसको अस्पताल में बड़े अस्पताल में शिविर शिफ्ट करो, वहां ले जाओ उसको, पूरा ठीक हो जाता है जाके वापस घर भेजो गाड़ी में,
ऊपर से 1400 रुपए दो। वहां से शुरू करके तमाम तरह योजना बनाने बनाते हमने यहां से कर दिया कि पेंशन भी दे दी हम लोगों ने बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःस्वजनों को, इज्जत नाली को, कोई बुढ़ापे के अंदर स्वाभिमान से जीत सके। अगर 500,000 रुपये महीने के आते हैं घर में पति पत्नी को, तो अब हिसाब लगो 5 साल में 7,000 रुपये आए होंगे। ये 5 साल जो गए हैं ना, 7,000 रुपये आए एक एक परिवार के अंदर पेंशन के 1,000 महीने के हिसाब से। तो इसलिए किया जिससे कि अगर बूढ़े और तो आदमी भी है तो अपने जेब पैसा रखेंगे, घर में कोई काम पड़ गया छोटा मोटा की बहन आ गई, बेटी आ गई, सवासनी आ गई, ससुराल से दोस्ती आ गई, तो अपने घर पे अपने बेटे से या बेटे की बहू से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने जेब में निकालो, चुपचाप मुझे दे दो। कई बार बेटा बहू जो होते हैं उसे क्या रो रो पैसा मांगते हो, तो उनको बड़ा अकड़ जाता है, फिर वो उनको उसकी भूख भी नहीं लगती, खाना नहीं खा पाते, बड़े मन में तरह आज मेरे को उन्होंने मना कर दिया पहले। पर अगर आप उसको पैसा जेब में है तो बहन बेटी समाज में आई तो आई 50 रुपए नोट चुपचाप पकड़ा दिया उसको सम्मान के साथ। घर में पोता पोती होते हैं छोटे छोटे, अगर दादा दादी पर पैसे हैं तो मालूम है कि मैं सेवा करूंगा तो मुझे अभी चॉकलेट के लिए, आइसक्रीम के लिए, कुल के लिए पैसे मिलेगा, ज्यादा सेवा करते हैं। दो पता दादा पढ़ लू, दादी खाना खा लिया, खाना खा लू, पूछते रहते हैं उनको, क्योंकि सेवा अच्छी होती है दादा दादी की भी। तो ये सब सोच करके मैंने क्या किया, 15,40,000 लोगों को पेंशन मिलती थी, बेटा बड़ा होगा नहीं मिलेगी, नौकरी करता नहीं मिलेगी, कई उसके राइडर थे लगे हुए, तो सब हटा दिए, 50 लाख जोड़ दिए, 64,40,000 लोगों का नहीं मिला। इस प्रकार से हमने एक एक चीज का ध्यान रखा उस सब, तो भाई चलो तो तकलीफ नहीं, मान समय के सामने जिंदगी निकाले, बुढ़ापे के अंदर भी, निःस्वजन भी, विधवाएं भी, ये हमारी कोशिश थी। दवाएं फ्री कर दी आप सबकी, टेस्ट फ्री, भर्ती हो जाए कोई तो उसका पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी, कोई हमने कमी नहीं रखी थी। तीर्थ यात्रा भेज दिया आप लोगों को बिना ब्याज के, हमने किसानों को कर्ज दिया, नई सरकार आती पहले बंद कर दिया, वापस दबाव पड़ा कांग्रेस का तो जाके वापस शुरू करना पड़ा। 85 स्कीमें हैं, 400 स्कीमें मेरी थी, फ्लैगशिप प्रोग्राम थे जो चलते थे उस वक्त में, वसुंधरा ने सबको कमजोर कर दिया, बाबा सा कार्ड लेके आ गई, आधार कार्ड बना हुआ था जरूरत नहीं थी नए कार्ड की, करोड़ रुपए खर्च कर दिए उसके अंदर। पर आज एक भारत सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो स्कीम बनाई आपके लिए खाद्य सुरक्षा योजना 200 किलो गेहूं, 1 करोड़ नाम काट दिए सरकार आपसे इन्होंने, और उसमें 25 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको इसलिए नहीं मिल पाता कि अंगूठा मिलता नहीं है, मशीन पोस्ट मशीन वो काम नहीं करती है, तो 25 लाख परिवार में अगर 1 करोड़ लोगों का धान नहीं मिलता राजस्थान का, आंकड़े हैं कागजों का नहीं है, मशीन के आंकड़े हैं, आप बताइए वो देखने वाला है। कानून ऐसे दिन चौपल हो गई राजस्थान में, महिलाओं के बलात्कार, छोटी बच्चियों से इतना घटिया काम लग गया, चोरी है, डकैती है, महिला सुरक्षित नहीं राजस्थान के अंदर, किसान अलग दुखी आत्महत्या कर रहा है, पूरा ऊपर का मूल्य मिलता नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होते हैं, कांटा लगता नहीं है, कांटा लगता है तो खरीदारी होगी तो पैसा मिलता नहीं सांसद वर्ग तक। तो ये तमाम वर्ग, मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कौन सा वर्ग सोके इस राज के अंदर। पुलिस को आदेश दिया कोई काला झंडा मेरे सामने नहीं आना चाहिए, कोई बाल कोने में दिखे भाई नहीं आना चाहिए, सब हटा दो। मैंने कहा वसुंधरा जी, ये माता बहने बैठी हुई है, बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, बेटा तो होता तो आप देखते ही हो, तो छोटा बच्चा पैदा होता है तो बाद में माँ उसके काला टीका लगाती है, नजर नहीं लग जाए बच्चे को, नजर नहीं लग, काला एक काला टीका एकदम बैठता है, और काले झंडे से आप जो है चमक रही हो, क्या मतलब है, दिखा नजर इनको तिरंग तो उसका फर्क पड़ता है, आपको नजर नहीं लगेगी, पर वह तो मेरे को भड़क गई। तो अब जाके मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री 5 साल तक कभी भी
आप जाओगे मान लो मुख्यमंत्री कोई आया है दूसरा में जाना आपको भी दूसरा मुख्यमंत्री आएंगे किसी काम पड़ गया आपका ही आप जाओगे वहां पे किसका जाके मिलोगे बताओ बताइए कहा जाके मिलोगे जय नहीं नहीं अगर मान लो मैं मुख्यमंत्री था मथुर दास थे जोशी जी थे दर्शन शेखावत थे तो आप जाके कहा मिलते थे बताओ जगह कौन सी है सर्किट हाउस वही है ना वही एड्रेस है मान लो हम लोगों का एड्रेस है जो सर्किट हाउस होता है ये मुख्यमंत्री ऐसी है राजस्थान में 10 साल राज किया 10 साल में कभी भी सर्किट हाउस नहीं रुकी है एक आधी बार रुकी होगी महीनों में रुकती है 5 सीटर होटल में रुकती है वो मुख्यमंत्री घमंड वाले मुख्यमंत्री वहां कोई जा नहीं सकता मिल नहीं सकता 5 साल कोई मिला ही नहीं थे न इन्होंने मिलने दिए अपनी राउंड के थ्रू न जनसंघ ने करी 2-3 बार नाम भी करी 5 साल के अंदर तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि ये तमाम बातें आपके ध्यान में है कि राज नहीं पोपा भाई का राज था पोपा भाई का राज अब ये राज जाने वाला है विदय निश्चित है मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर चित्तौड़ भीलवाड़ा अजमेर बाड़मेर जालोर पाली सब जगह फिर हूँ आज मैं गया हूँ आपके नागौर भी गया हूँ अभी मैं जयपुर जिले का कोटपुर भी गया हूँ सब जगह एक सा माहौल है कांग्रेस जीत रही है मैं आपको कहना चाहता हूँ आप यहाँ ममता भूपेश को भारी बहुमत कामयाब